बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। पंजाब के सीएम अमरिंदर आज सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को पंजाब के कई कांग्रेस विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाकर बातचीत की। वहीं सीएम कैप्टन ने कांग्रेस समिति से भी मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद से मिले। अब आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की सीएम अमरिंदर को लेकर की गई बयानबाजी को लेकर प्रियंका और राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। जिस तरह की बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की जा रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, इसको लेकर खफा है सोनिया गांधी का जो आ रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। जब पंजाब कांग्रेस के अंतर्कलह को निपटाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी पूरा काम देख रही है, राज्य के सभी नाराज कांग्रेस नेताओं को उनके कद के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की सीएम अमरिंदर पर बयानबाजी से आला कमान बेहद नाराज है। दिल्ली में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद के साथ बैठक हुई, तो इससे पहले मुख्यमंत्री की 3 सदस्यों की कमेटी के साथ बैठक हुई। कल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे, आज दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का। कल अंबिका सोनी और सलमान खुर्शीद के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, 3 सदस्यीय कमेटी से मिले अमरिंदर सिंह और आज मुलाकात होगी सोनिया और राहुल गांधी से। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू को लेकर कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने तंज कसा। बिट्टू ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि पार्टी उनके बिना नहीं चलेगी तो वो गलत सोच रहे हैं। साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन को लेकर सिद्धू के बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी पर पार्टी कड़ा संज्ञान लेगी। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को लेकर बिट्टू से सवाल किया गया था। हर इशू डिस्कस हुआ है वहाँ पे, पार्टी का, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, मिनिस्ट्रीज का हो, चेयरमैनों का है, वो सब चीज़ें डिस्कशन में आज वहाँ पे ली गई हैं और बड़ा लंबा डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद राहुल गांधी जी तकरीबन 4 से ज़्यादा लीडरों को कल मिले थे, आज 9 से ज़्यादा लीडर हैं आज मिल रहे हैं, तो हर कोई अपनी बात अंदर उनको बता रहा है। तो सीधी बात है, इलेक्शनों में कैसे जाना है, हाईकमांड देखेगी। आज ये चीज़ें भी तकरीबन हर लीडर ने बताया है, अभी जिस तरीके से मीडिया में ये बातें आई हैं उसके ऊपर बहुत गंभीर संज्ञान है जो पार्टी ने लिया है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी जाम कमेटी है वो बड़ी इस चीज़ के लिए हैरान भी है भी ये जब कमेटी के सामने सब आ रहे हैं तो ये क्यों ये हुआ, इसके कारण क्या हैं। तो मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ भी ना पार्टी हाईकमांड ना कोई कांग्रेस का वर्कर इस चीज़ को कोई भी इसे लाइटली लेगा, ना कोई इसे अच्छा समझेगा, सब में नाराजगी है इस चीज़ की। और शिरोमणि अकाली दल ने नई गठित एसआईटी पर सवाल उठाया। अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नई गठित एसआईटी में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो कि एसआईटी का सदस्य ही नहीं है। एसआईटी के 2 ही मेंबर आए थे और तीसरे मेंबर की जगह कोई और व्यक्ति था जो कि कानूनी तौर पर गलत है। ये नई एसआईटी की सारी जांच सियासत से प्रेरित है, आरोप लगाया गया एसएडी की तरफ से। पर हाईकोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर सी कि 3 मैंबर सीट के बन गए, एक बार सीट बन गई सरकार उस दखलअंदाजी किसी तरह की नहीं कर पाएगी और तिने ही मैंबर हर डॉक्यूमेंट के उत्ते साइन करेंगे, कोई भी होर इंटरफेयर नहीं कर सकेगा, कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन सरकार नहीं दी जाएगी, सिर्फ कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये हूँ चौथा सरकार का बंदा डायरेक्टर प्रोसीक्यूशन रिटायर्ड विजय सिंगला इस सीट के नाल आके ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੀ ਏ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ। एसआईटी जांच और एसईपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विनी सेकड़ी ने कहा कि पुरानी एसआईटी का भी राजनीतिक इस्तेमाल हुआ था, अब सरकार ने नई एसआईटी बनाई है, चाहे कोर्ट का पूरा गोलीकांड हो या बेअदबी मामला,
हमारी सरकार इंसाफ दिलवाने में फेल रही है। कितने साल हो गया बेअदबी होया या गोलीकांड होया, आज तक इंसाफ नहीं होया। पंजाब पुलिस पूरी सक्षम है, कोई क्राइम हो जाए अंडर दी कारपेट क्राइम हो जाए पंजाब पुलिस ते पाकिस्तान तो जाके मुजरमों ने फड़ लिया। इतने नहीं फड़िया गया तो पंजाब पुलिस या सरकार जिम्मेवार है। ऑफकोर्स दे हैव टू डू दिस, क्यों नहीं करते पे? कैप्टन साहब ने जो गुटका लाके कसम खाधी है। पंजाब सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार ने बसेरा स्कीम के तहत अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब जिलों में दो जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने को हरी झंडी दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि सरकार के इस फैसले के बाद अब तक राज्य के अलग अलग जिलों में स्थित झुग्गी झोपड़ी वाले 40 स्थानों पर रहते 7700 परिवारों को मालिकाना हक दिए गए। पंजाब के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस और अन्य पैरा मेडिकल कोर्स की सभी कक्षाओं को 28 जून से शुरू करने के आदेश दिए हैं। ओपी सोनी ने बताया कि विभाग द्वारा यह फैसला कोरोना के घट रहे प्रभाव को देखते हुए लिया गया। और फिरोजपुर शहरी हलके में आम आदमी पार्टी के कई दावेदार अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, वहीं दीवारों पर पोस्टर भी लगा रहे हैं। इस पर जहां सियासत जारी है वहीं आम लोग काम के आधार पर चुनावी आकलन में जुट गए हैं। सो मैं तो ये कहना है कि एक बारी तो ठगी बज गई पंजाब के लोगों नाल वायदे करके झूठे। अज इन्हां दा एमएलए दा हाल तो देखो, जिहड़े लोगों नूं कहिंदे सी कि असी ऐ कर देंगे, असी ये कर देंगे, असी वो कर देंगे, है जी असी नवा इनकलाब पंजाब से लियावांगे, ये लोग अज कांग्रेस शामिल हो रहे हैं। पोस्टर के पैसे वेस्ट करने नालों ग्राउंड लैवल से आके रियलिटी के उत्ते किसी का भला करो। आपे ही लोगों को पता लग जाना भी कि पार्टी का वर्कर फिरोजपुर दिल्ली की कर रहा है। नाले पांच साल बाद ना ये पोस्टरबाजी के जोड़े तरीके तो जी जनता ना बहुत भली भांति वाकफ हो चुकी है जी। पोस्टर के उत्ते तो वोटा नहीं पैनिया किसी को भी। नगर कौंसल जेडे कि ये पोस्टर लग रहे हैं, ये लोग इस समय के भी शायद कितने पोस्टर जंग जीती जाएगी। एक पास आप कहने भी सानू अगे लैके आओ समाज के आप पार्टी आएगी असी काम करा, पर जिस हिसाब से सारे शहर की सुंदरता खराब कर रहे उन्हें कोई मजे वाली गल नहीं। पोस्टर जंग नहीं जीती जानी, तो काम करने जंग जीती जानी। नगर कौंसल वालों इस पूरा एक्शन लिता जाएगा। आज चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रभारी विनोद तावड़े, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी मंथन करेगी अलग अलग मुद्दों पर। हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव ने हरियाणा सरकार के गृह विभाग को लेटर लिखा। डीजीपी मनोज यादव ने हरियाणा कैडर छोड़कर इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाने के लिए पत्र लिखा। डीजीपी ने यह पत्र गृह सचिव राजीव अरोड़ा और गृह मंत्रालय हरियाणा सरकार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखा। उन्होंने हरियाणा सरकार से डेप्यूटेशन छोड़कर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने की इजाजत दी। बता दें कि कई बार डीजीपी मनोज यादव और गृह मंत्री अनिल विज के टकराव की खबरें सामने आ चुकी हैं। और देखिए वो पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा ट्वीट मनोज यादव की तरफ से, अपनी क्षमता के मुताबिक अपने कर्तव्यों का मैंने निर्वहन किया, ये ट्वीट किया गया डीजीपी मनोज यादव की तरफ से। अब आई भी संकेत करता है और मैं करियर और पारिवारिक उस पर ध्यान देना चाहता हूं, सरकार में वापस जाना चाहता हूं, मैंने हरियाणा सरकार से मुझे वापस जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। और डीजीपी मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डीजीपी अपनी इच्छा से जाना चाहेंगे तो विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर एक पैनल अगले डीजीपी के लिए तैयार होगा और पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री का भी तुरंत रिएक्शन इस पर आया, उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा से जाना अगर चाहते हैं डीजीपी मनोज यादव तो इस पर विचार होगा। भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश की अगुवाई में किसानों के एक डेलीगेशन ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस डेलीगेशन ने कृषि कानूनों के समर्थन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया और तीनों कृषि कानूनों को किसानों की आर्थिक आजादी के लिए बड़ी पहल बताया।
किसान नेता गुणी प्रकाश ने कहा कि कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाएंगे और अगर किसी किसान संगठन ने इसका विरोध किया तो अपने तरीके से उससे निपटेंगे। ये तीन कृषि कानून किसान को आर्थिक आजादी की पहल है, ये उसके लिए ये विरोध कर रहे हैं। दूसरा जो हरियाणा के अंदर है, अब ये दो संयुक्त किसान मोर्चा कह रहे हैं कि अयोगित इमरजेंसी लागू होगी। अगर इमरजेंसी होती तो ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में कौन आवाज कर सकता। आज हरियाणा के अंदर अगर दंगा फसाद कराए जा रहे हैं, जो तोड़फोड़ की जा रही है वो किसान मुद्दे से कुछ नहीं है। हमारा हरियाणा जो किसान हम बुलाएंगे हम ही उनसे निपटेंगे। हम चैलेंज करा, वो कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं दूंगा। हमने निमंत्रण किया कुरुक्षेत्र में, मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। ओ उसमें पुलिस की हमने जरूरत नहीं, हमारे किसान वर्कर किसानी गुरनाम चुड़ुन्नी को चैलेंज करा कि वो के आके हमारे को रोक के दिखा दे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। बलजीत सिंह दादूवाल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सीएम से केंद्र और किसानों के बीच रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू करने की अपील की। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बलजीत दादूवाल ने कहा कि सीएम ने केंद्र से बातचीत आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। वहीं कुंवर विजय प्रताप के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया, वो चाहे जिस भी पार्टी में शामिल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उन्हें सम्मानित किया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में मंगलवार को आतंकियों ने सीआईडी अधिकारी परवेज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने नौगाम थाना क्षेत्र के कनीपोरा में परवेज अहमद के आवास के पास उन्हें गोली मारी। घायल अवस्था में परवेज अहमद को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज से कुल्लू के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री वर्चुअली तरीके से करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम जिला प्रशासन के साथ भी बैठक करेंगे। और हिमाचल कैबिनेट ने 1 जुलाई से कोरोना पाबंदियों में कई छूट दी हैं। सीएम जयराम की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 1 जुलाई से 50% क्षमता के साथ वॉल्वो समेत अंतर्राज्यीय बसें शुरू की जाएंगी। 1 जुलाई से ई पास को बंद करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा 1 जुलाई से सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देंगे। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ कुल इंडोर क्षमता के 50% तक सामाजिक समारोह में उपस्थिति की अनुमति होगी। सभी दुकानें प्रातः 9 बजे से साय 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 10 बजे तक खुले रहेंगे, बार रेस्टोरेंट्स। जो भी SOPs हैं उसके वो लागू रहेंगे। सामाजिक जो गैदरिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग्स इत्यादि जितनी भी हैं, सभी प्रकार की गैदरिंग्स इंडोर कैपेसिटी जो है वो हॉल की 50%, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा नहीं। और आउटसाइड की जो है, आउटडोर जो है वो 100 लोगों की जो है 50% और 100, अगर कैपेसिटी ज्यादा भी है वहां पे तब भी 100 से ज्यादा नहीं होगी। और हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने मंगलवार की देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर प्रदेश सरकार ने 43 IAS और HAS अधिकारियों के तबादले कर तैनाती के आदेश दे दिए हैं। इनमें 14 IAS अधिकारी और 2 HPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई जिलों के DC बदले गए हैं। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने तबादलों और तैनाती के आदेश जारी किए। आशुतोष गर्ग DC कुल्लू, अरिंदम चौधरी DC मंडी, राम कुमार गौतम DC सिरमौर, पंकज राय DC बिलासपुर, आबिद हुसैन सादिक DC किन्नौर, निपुण जिंदल DC कांगड़ा, इसके अलावा पूरी लिस्ट जारी की गई।
और अब आपको बताते हैं पॉजिटिव खबर। भिवानी के निमडीवाली गांव की रहने वाली मिडिल वेट 75 किलोग्राम भार वर्ग की महिला मुक्केबाज पूजा बोरा देश के लिए ओलंपिक में खेलेंगी। इन दिनों पूजा इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटी हैं। ग्रीन कार्ड से ओलंपिक में एंट्री करने वाली पूजा पहली महिला मुक्केबाज बनी है। इससे पहले मैरीकॉम ओलंपिक खेलों में रेड कार्ड से एंट्री पाने में सफल हुई थी। पूजा बोरा के पिता हरियाणा पुलिस में एएसआई हैं और माता गृहिणी हैं। पूजा बोरा के पिता फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। पूजा की मां दमयंती के मुताबिक पूजा के लिए उन्होंने घर में देसी नस्ल की दो गायें भी रखी जिनका दूध पीकर वो ओलंपिक तक पहुंची। अब इस उपलब्धि पर पिता और कोच भी बेहद खुश हैं। हौसला बढ़ने के बाद में उसने बाहर जाकर के विदेशों में भी उसने मेडल लिया है और 19-20 में भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और बहुत अच्छी तैयारी कर रही है और अब इटली गई हुई है, कल इटली गई है और हमें पूरा विश्वास है वो देश के लिए ज़रूर गोल्ड मेडल लेकर आएगी, देश का नाम ऊंचा करेगी और पहली महिला बॉक्सर है जिसने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। जो स्कूल हम खेल रहे हैं जी मिले ना, ये हमारी जिम्मेवारी है, हम ही ले जाऊँगा ईश्वर ने मुख हमीद के ले जाओगा। फिर मगर कोई दिन खेल किन्नर छोड़ देगी, फिर हम कौन छोड़ दिया, फिर या जल्दी मेडल ले आई, फिर हम ही इसका पीछे हो लिए, फिर हम ही इसका कराया और हम खूब या बहुत खेली। ये पूजा ने अब की बार मतलब फर्स्ट टाइम पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार ओलंपिक क्वालिफाई किया है। इससे पहले महिला में इससे पहले मैरी कॉम गई थी, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गई थी, तो ये पहली महिला होने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है।